प्रदीप, बिहार के 40 सीटों में जी आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बिहार के 40 सीटों के अंदर हम 28-33 एनडीए के लिए कर रहे हैं और 7-12 यूपीए के लिए कर रहे हैं। इसका अगर मीडियन निकाले तो रफली 30 इज व्हाट एनडीए का हम कह रहे हैं। और इसका प्लेन अगर मैं दो बात करना चाहूंगा, मैं सीट वाइज बात करूं तो किशनगंज जहां पे 60% मुस्लिम आते हैं वो सीट पिछली बार भी गई थी, इस बार भी जा रही है गठबंधन तरफ। मधेपुरा के अंदर बहुत स्ट्रांग फाइट है, अभी हमने पप्पू यादव की एज दिखाई है, वहां पे पप्पू यादव वर्सेस जेडीयू की काफी स्ट्रांग कंपटीशन है, वहां पे शरद यादव तीसरे नंबर पे हैं। वैशाली में बीजेपी का स्ट्रांग करंट है, परंतु वीना देवी जो कैंडिडेट है एलजेपी की, उनने कुछ काम नहीं किया, तो बहुत स्ट्रांग एंटी टोटल नंबर आप बता नंबर में आप ऊपर ब्रॉड नंबर बताइए। आप कह रहे बीजेपी जेडीयू की जो अलायंस है जी, उसको 6.4% पॉजिटिव स्विंग होगा बिल्कुल, और कांग्रेस आरजेडी जो अलायंस है वो सिर्फ 4.1% स्विंग होगा उनको जी बिल्कुल। और आप इसलिए कह रहे हैं कि मतलब 45% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी एनडीए को मिलने वाली है जरूर। पिछली बार भी अगर आप देखें जब जेडीयू नहीं थी तो रफली 38-39% वोट एनडीए के पास था, और पिछली बार जेडीयू जब और जेडीयू के पास 16% वोट था जब वो सब में लड़ रही थी, तो अगर इस बार वो आधी सीट्स के अंदर 17 सीट्स के अंदर रखी तो उसका जो 6% वोट है वो कंप्लीटली जो ईबीसी वोट आता है जो नीतीश कुमार के साथ में है वोट कंप्लीटली, और कुर्मी वोट जो 3-4% है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर कंसेप्चुअली भी देखें तो जो टेक ऑफ वोट एनडीए का है वर्सेस टेक ऑफ वोट आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस है उसका बहुत कम है। एनडीए का टेक ऑफ वोट 45% प्लस में आ जाता है, और जो टेक ऑफ वोट आरजेडी का है जो मुस्लिम्स और यादव का है वो 30-35 के बीच में ही रहता है। तो ये कंप्लीट क्लियर एज है, और इनफैक्ट हम तो अभी कंजर्वेटिव होके 30 कह रहे हैं क्योंकि कई जगह पे बहुत स्ट्रांग फाइट है जो हमने अक्रॉस दिखाई है।